प्रेजेंटेड बाय तिरुपति कॉटन सीड ऑयल, टेस्ट और हेल्थ का परफेक्ट बैलेंस। तिरुपति एडिबल ऑयल्स। नमस्कार, केटीवी ना विशेष कार्यक्रम लोकशाही नो महापर्व 2024 साथे हूँ छु अपनी साथे महेंद्र। गांधीनगर गुजरात नु पाटनगर छे, ज्या भारत मा गांधीनगर अने चंडीगढ़ ए बे एवा शहरो छे जेने पाटनगर तरीके विशेष योजना करीने बनावायेला छे। 2019 मा गांधीनगर ना सांसद तरीके चूंटायेला अमित शाह बीजी वखत अहींथी चूंटणी लड़ी रह्या छे। 2019 मा तेओ प्रथम वखत लोकसभानी चूंटणी लड्या हता। ત્યારે આવો જોઈએ તેમની રાજકીય કારકિર્દી ઉપર। બીજી વખત ઉમેદવારી 2019માં તેઓ પ્રથમ વખત લોકસભાની ચૂંટણી લડ્યા। વડાપ્રધાનના સૌથી વિશ્વાસુ અને નજીકના મિત્ર અમિત શાહ। અમિત શાહ 1987માં ભાજપમાં જોડાયા હતા। અમિત શાહને પહેલી મોટી રાજકીય તક 1991માં મળી। ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક હંમેશા વીઆઈપી સીટ રહી છે। અહીંથી લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને અટલ બિહારી વાજપેયી જેવા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા છે। તો દેશના વર્તમાન ગૃહ તેમજ સહકાર મંત્રી અમિત શાહ પહેલી વાર લોકસભાની ચૂંટણી આ બેઠક પરથી લડ્યા હતા। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા પણ આ બેઠક પરથી સાંસદ બન્યા હતા। વર્ષ 1989માં બેઠક પર ભાજપની પહેલી જીત થઈ હતી। ત્યારથી આજ સુધીમાં ભાજપે પાછું વળીને નથી જોયું। 1989માં ભાજપના ઉમેદવાર શંકરસિંહ વાઘેલા 2,68,492 મતની લીડથી આ બેઠક પર વિજયી થયા હતા। શંકરસિંહ વાઘેલા બાદ વર્ષ 1991માં લાલકૃષ્ણ અડવાણી આ બેઠક પરથી પહેલી વાર ચૂંટણી લડ્યા અને 1,25,689 મતની લીડથી વિજેતા થયા। અડવાણી બાદ વર્ષ 1996માં અટલ બિહારી વાજપેયીએ 1,88,872 મતની લીડથી આ બેઠક પરથી જીત મેળવી હતી। વાજપેયી બાદ અડવાણી 1998થી સતત 2014 સુધી અહીંના સાંસદ બન્યા હતા। 2019માં ભાજપે અડવાણીની ટિકિટ કાપી અમિત શાહને અહીંથી મેદાને ઉતાર્યા હતા। અમિત શાહે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સીજે ચાવડાને 5,57,014 મતે હરાવી આ બેઠક પરથી જીત મેળવી। એ સમયે અમિત શાહ સામે ચૂંટણી લડનારા સીજે ચાવડા હવે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે। લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપના દિગ્ગજો પ્રચંડ પ્રચાર થકી શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। ગૃહપ્રધાન અને ગાંધીનગર બેઠકના ઉમેદવાર અમિત શાહે ગઈકાલે તેમના લોકસભા મતવિસ્તારમાં રોડ શો યોજી શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું, જે પછી વિજય મુહૂર્તમાં ઉમેદવારી નોંધાવી। આજ ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ, મેરે સાથી વિધાયક ઓર મેરે દોનો ઇન્ચાર્જ કે સાથ મેને લોકસભા કે લિયે મેરા નામાંકન गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री नाते और बाद में प्रधानमंत्री नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए।
मुझे बड़ा संतोष इस क्षेत्र की जनता ने, जब जब भी मैं पार्टी के लिए मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ना सौथी विश्वासु अने नजीकना मित्र अमित शाह छे। अमित शाह गुजरात में खूब ज समृद्ध परिवार माथे आवे छे। तेमना दादा नगर सेठ हता। अमित शाह छह बहनों परिवार में सौथी नाना छे। विशाल परिवार की हवेली में उछरेला अमित शाह आज पण सादगी पसंद करे छे। अमित शाह ने एक पुत्र छे जेनु नाम जय शाह छे। तो चालो तेना परिवार विषे आज आपणे वात करिए। गृहमंत्री अमित शाह नो जन्म 22 ऑक्टोबर 1964 ना रोज मुंबई महाराष्ट्र में एक वेपारी परिवार में थयो। तेमना पिता नु नाम अनिल चंद्र हतु ने माता नु नाम कुसुमबेन हतु। अमित शाह नी पत्नी कोल्हापुरनी छे। तेना माटे तेने महाराष्ट्र ना जमाई पण कहेवामां आवे छे। 1986 में अमित शाह ना लग्न कोल्हापुर ना मसाला ने ड्राईफ्रूट्स ना वेपारी सुंदरलाल मगललाल दास शाह नी पुत्री सोनल शाह साथे थया। जय अमित भाई शाह नो जन्म 22 सप्टेम्बर 1988 में थयो हतो। हाल में एक भारतीय उद्योगपति और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है। तो 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ना सचिव बनिया। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ना प्रमुख पण छे। तो भारत ना गृहमंत्री अमित शाह ना पुत्र छे। जय शाह निर्मा यूनिवर्सिटी में BTEC साथे स्नातक थया। तेरे अमदावाद में जयेंद्र सहगल की आगेवानी में क्रिकेट की तालीम लीधी। फेब्रुआरी 2015 में जय शाह तेनी कॉलेज गर्लफ्रेंड ऋषिता पटेल साथ परंपरागत गुजराती विधि से लग्न कर्या। आ लग्न में वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने अन्य उच्च कक्षा अधिकारी हाजरी आपी। जय शाह ने ऋषिता हाल में 2 बाळकों माता पिता छे। नहीं भेदना है 400 पार करनी है या नहीं करनी है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान के सह प्रभारी और मेरे मित्र श्री प्रवेश वर्मा जी, महंत बाबा बालकनाथ जी, श्री सुरेश रावत जी, श्री संजय शर्मा जी, डॉक्टर जसवंत यादव जी, श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, श्री संजय नरुका जी, रोशन सैनी जी, उम्मेद भाया जी, श्री अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर करण सिंह यादव जी और आज अलवर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले भगवान भर्तृहरि जी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा नीलकंठ महादेव और नीलकंठ महादेव में विराजे हुए सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा मोहनदास जी, श्री शीतलदास जी, संतदास जी और महाराज खेतानाथ जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाला है और ये वीर भूमि है। यहां के हर एक घर से
वीर माताओं ने अपना बेटा देश की रक्षा करने के लिए भेजा है और यही के सपूतों ने देश को सुरक्षित करने के लिए भेजा है। भाई और बहनों, आज मैं इस वीर भूमि के महान योद्धा शिषपाल सिंह जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो वीर भूमि है, इसके जवानों को और वीर माताओं को, वीरांगनाओं को मैं कहने आया हूं, 40-40 साल से कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था इंदिरा जी के जमाने से, मगर उसको पूरा नहीं किया था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवारों का। ભાજપની ઓફિસમાં પ્રથમ વખત નરેન્દ્ર મોદી સાથે તેની મુલાકાત થઈ। અમિત શાહ તે સમયે ભાજપના વિદ્યાર્થી સંગઠન એબીવીપીના નેતા હતા અને નરેન્દ્ર મોદી ભાજપના સંગઠનનું કામ કરતા હતા। બંનેનો એકબીજા પર વિશ્વાસ એટલો બેસી ગયો કે આજ સુધી કોઈ પણ આ લોકોની જોડીને તોડી શક્યું નથી। મોદીની જેમ શાહ પણ ન તો મિત્રોને ભૂલી જાય છે કે ન તો દુશ્મનોને, કામદારોને પણ તેમના નામથી ઓળખે છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ભાજપ પાર્ટીના મહાસચિવ રહી ચૂક્યા છે। તેમણે જણાવી દઈએ કે અમિત શાહ 1987માં ભાજપમાં જોડાયા હતા। 1987માં તેમણે ભાજપ યુવા મોરચાના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા। અમિત શાહને પહેલી મોટી રાજકીય તક 1991માં મળી, જ્યારે તેમણે ગાંધીનગર સંસદીય ક્ષેત્રમાં લાલકૃષ્ણ અડવાણી માટે ચૂંટણી પ્રચાર સંભળાવ્યો હતો। અમિત શાહને બીજી મોટી તક 1996માં મળી, જ્યારે અટલ બિહારી વાજપેયીએ ગુજરાતમાંથી ચૂંટણી લડવાનું નક્કી કર્યું। આ ચૂંટણીમાં પણ અમિત શાહે ચાર્જ સંભાળ્યો હતો। અમિત શાહે પોતાના રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત સરખેજ વિધાનસભા બેઠક પરથી પેટાચૂંટણી જીતીને કરી। 1999માં તેઓ અમદાવાદ જિલ્લા સહકારી બેંકના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા। 2009માં તેઓ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા। 2014માં તેઓ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ બન્યા હતા, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીએ પદ છોડ્યું હતું। 2003-2010 સુધી અમિત શાહે ગુજરાત સરકારને કેબિનેટમાં ગૃહ મંત્રાલયનો હવાલો સંભાળ્યો હતો। का सम्मान करने का काम किया। मित्रों, आज मेरे मित्र और भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव जी के प्रचार में मैं आया हूं। भूपेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ संगठन में भी काम किया है और सरकार में भी, मोदी जी की कैबिनेट में हम दोनों हैं। यहां बहुत सारी माताएं हैं, घर में एक मटकी लेकर लेने जाते हैं तो बरोबर उस पर टकोरा लगाकर देखते हैं पक्की है या कच्ची, देखते हैं या नहीं देखते हैं? भाई जरा बोलो तो, देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो 150-200 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हैं। लोकसभा में प्रत्याशी भेदना है, टकोरा लगाकर भेदना। भाई और बहनों, ये मटकी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। भाई और बहनों, मैंने उनको जब वो नामांकन भर रहे थे, शुभकामना के लिए फोन किया। बड़ा पक्का व्यापारी है, वैसे तो यादव है मगर बनियों से भी पक्का है। उसने मुझे कहा, भाई साहब शुभकामना से नहीं चलेगा, खैरथल का विकास होगा तभी मैं नामांकन कर जीत कर आऊंगा। अब चुनने से पहले ही अपने मत क्षेत्र की चिंता करे, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बहुमत से चुनकर भेजिए। इस क्षेत्र को हरा भरा करने में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। भाई और बहनों,
ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं, 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मुझे एक बार आप लोग जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही, राम मंदिर नहीं बना। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 19 से 24 में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी समाप्त कर दिया। और इस 17 तारीख को 525 साल के बाद पहली बार रामलल्ला अपना बर्थडे रामनवमी ये भव्य मंदिर में मनाएंगे। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, परंतु जब भूमि पूजन होता था हमने निमंत्रण भेजा, राम जन्मभूमि न्यास ने निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने जाने का भी पसंद नहीं किया। एक कांग्रेस पार्टी हमारे गौरव केंद्रों का रक्षा नहीं कर सकती। भाई और बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, केदार धाम बद्री धाम को नए सिरे से बनाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने हमारे सभी मान बिंदुओं को ये 10 साल के अंदर पुनर्जीवित करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस के अध्यक्ष यहां आए थे, उन्होंने राजस्थान में कहा ये राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। मैं आज पूछने आया हूं अलवर में, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, खड़गे जी को सुनाई पड़े ऐसे, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी इतने सालों से वोट बैंक की लालच में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया। आरएसएस ना कार्यक्रम में अमदावाद आव्या, कार्यक्रम में तमाम भार शाहे संभाल्यो। शाह तेमनाथी प्रभावित थया, જ્યાં સુધી તેઓ અમદાવાદ રોકાયા શાહ તેમનું તમામ કામ કરતા। સ્વામી શાહને કુંભ મેળામાં આવી હિન્દુ સંસ્કૃતિને સમજવા કહ્યું। 1986માં 21 વર્ષની ઉંમરે હરિદ્વારના કુંભ મેળામાં ગયા, અહીં અલગ અલગ પ્રવચન સાંભળવા, સાધુ સાથે લંગર કરવું જેવી પ્રવૃત્તિઓ કરી। અહીંથી શાહની જિંદગી બદલાઈ ગઈ। અમિત શાહ નરેન્દ્ર મોદીની પહેલી મુલાકાત 1982માં થઈ। આ સમયે મોદી અમદાવાદમાં સંઘના જિલ્લા પ્રચારકનું કામ કરતા અને શાહ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના ગુજરાત વિભાગના સંયુક્ત સચિવ હતા। કહેવાય છે કે અમિત શાહને આક્રમક રણનીતિ પસંદ છે।
मोदी ने गुजरात थी हटावामां आव्या। आ समय शाह सतत मोदी ना संपर्क में रहिया, जेना कारणे तेमने पर पार्टी माथी हटावी देवामां आव्या। अन्य तमाम नेताओं मोदी नो साथ छोड़ी दीधो। जारे 2001 में मोदी गुजरात पाछा आव्या त्यारे तेओए 2002 नी चूंटणी जीत्या बाद तेमना पर विश्वसनीय व्यक्ति शाह ने गृह मंत्रालय में स्थान आप्यु। 2007 ना बाद मोदी शाह ने 10 मंत्रालय स्वतंत्र रीते चलावानो कार्यभार सौंप्यो। एक समय एवो आव्यो कि जेरे राजकीय दावपेचना कारणे अमित शाह ने जेल में जवू पड्यु। आ समय तेमने एक शरत पर जमानत मळी के तेओए गुजरात बहार रहेवू पड़शे। आ घटनाथी अमित शाह संपूर्णपणे तूटी गया। आ समय मोदीए तेमनी मदद करी, तेमनी सलाहना आधारे शाह दिल्ली में रहेवा राजी थया अने तेओए आ समय केन्द्रीय मंत्रालयनो भरोसो जीत्यो। आ समय पछी तेओए गुजरात में धमाकेदार एंट्री करी। जयरे अमित शाहे आ पद संभाळ्यु त्यारे बैंक लगभग 20 करोड़ रूपयानी खोटमां हती। अमित शाहना आव्याना एक वर्षमां योग्य रणनीतिना कारणे खाताने खोटमांथी नफामां लावी आपी, तो 20 करोड़ खोट तो पूरी करी पण साथे जो 7 करोड़ फायदो पण कर्यो। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल शासन किया, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त किया, यूसीसी को उत्तराखंड में लाने का काम किया, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया और ढेर सारे देश के 70 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम किया है। भाई और बहनों, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने अपना घर में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। भाई और बहनों, मैं जानता हूं ईस्टर्न राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, मुझे बताओ है या नहीं है? भाई जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं आज आपको एक बड़ी बात कहकर जाता हूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये मोदी सरकार का गारंटी है, ये जल्दी पूरा होने वाला है। ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होते ही ये पूरी पानी से सूखी धरती हरी भरी हो जाएगी और मेरे किसान भाई, मवेशी रखने वाले पशुपालक और माताओं को घर में पानी लाने की किल्लत, 500 साल की किल्लत समाप्त होकर समग्र क्षेत्र में समृद्धि और हरियाली आ जाएगी। एक कांग्रेस पार्टी नदियों को जोड़ने का विरोध करती है, आप घबराना मत, मैं कहकर जाता हूं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यहां पर आएगा और अलवर में, पूरे अलवर में पानी पहुंचाएगा, आप जरा भी चिंता मत। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट से अलवर को पानी नहीं मिलेगा। मैंने भजनलाल जी से खराई करी है, हर एक गांव में, गांव छोड़ दीजिए, हर एक धाणी में, हर एक घर में पानी पहुंचेगा, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी पार्टी है,
पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने सालों तक अन्याय किया, काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट को दबा कर रखा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा। मोदी जी ने आकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र के सारे दाखिलों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ जोर से ताली बजाना, हमारे देश को समग्र दुनिया में हमारा नाम रोशन करने वाले स्वयं मोदी जी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 27 से ज्यादा ओबीसी मंत्री आज मोदी जी की कैबिनेट में। भाई और बहनों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित करना, तुष्टिकरण को समाप्त करना, इस दिशा में आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लिया है, इसके कारण बेटियों के जन्म दर में भी वृद्धि हुई है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बढ़ी है। परंतु कांग्रेस एक ही नारा लेकर चली है, एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही है। मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को, बचाओ पढ़ाओ को हम आगे ले जाएंगे। भाई और बहनों, मैं जब यहां पर आया हूं तब एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी गलतफहमी फैला रही है विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे ना किसी को समाप्त करने देंगे। एक कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की बात करती, मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। भाई और बहनों, मुझे बताओ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, बनाओगे? अरे और जोर से बोलो, बनाओगे? देश को सुरक्षित करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे। मेरे मित्र और ये भाजपा नेता भूपेंद्र जी आ गया, ये भूपेंद्र जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए जरा दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जोड़िए 2014 की सामान्य चूंटनी में भारतीय जनता पार्टी ने जंगी विजय अपाव्यो हतो। त्यार बाद आ बने नेताओं की पकड़ देश राजकारण पर मजबूत थी गई। तो लोकशाही महापर्व 2024 में हलवस आटलू ज। वधु समाचार माटे जोता रहो केटीवी न्यूज गुजराती, समस्या तमारी खबर अमारी। नमस्कार। तिरुपति कॉटन सीड ऑयल, टेस्ट और हेल्थ का परफेक्ट बैलेंस। तिरुपति एडिबल ऑयल्स,